ओम प्रकाश हमारे साथ हमारे कॉलर फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। जी ओम प्रकाश, बताएं आपको क्या परेशानी है। सबसे पहले अपनी उम्र बताएं और कहां से बोल रहे हैं ये भी बताएं। सर जी, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। मैडम जी, उम्र है मेरी 55। जी जी, फरमाइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। आदाब आदाब। हाँ जी, आ जा। मैं जी, मैं मेरे ना ब्रेन में थोड़ी है। अच्छा, ब्रेन के अंदर थोड़ी है ये, कम से कम ज्यादा नहीं तो को 10-11 साल हो गया इस बात को। बहुत ज्यादा डॉक्टरों को भी बताया और डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका ऑपरेशन होगा, और ब्रेन का ऑपरेशन के लिए उन्होंने पैसे बहुत मांगे थे। मैं पैसा देने की हैसियत नहीं रखता, और उसकी वजह से मेरी नजर भी दब चुकी है, यानी कि जा चुकी है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र जी मेरी 55 साल है। तकलीफ है कोई? तकलीफ कोई नहीं है। वैसे मैं पेन किलर वो ही खाता हूँ, रेस्ट वाली, रात को सोने वाली, या जैसे कोई दौरा जाए, दौरे की शिकायत पड़ती है तो लीवर सैम्प की वो मैं आती है ना दवाई वगैरह, इंग्लिश दवाई वो ही खाता हूँ। तो कोई नहीं है, ब्रेन के अंदर आंखों की रोशनी जा चुकी है, मतलब उसकी वजह से। डॉक्टर कहते हैं कि यार थोड़ी की वजह से जो नाड़ है ना आती है ना ब्रेन के अंदर, जो वो दब चुकी है। अगर ऑपरेशन हो जाए और थोड़ी बाहर आ जाए या पिघल जाए तो आपकी नज़र ठीक हो जाएगी, यानी कि आंखों में दर्द भी होता है, जैसे कोई तेल लगाता हूँ सरसों का या मसाला वगैरह किचन में बनाते हैं घर वाले तो लगता है, धुआं वगैरह लगता है, ये चक्कर है सब। तो मैंने सोचा कि आपका टीवी में प्रोग्राम देखा, तो मैंने कहा किसी और भी बात की, किसी ने मेरे कहा कि डॉक्टर से बात करो आप डायरेक्ट, हो सकता है आपके ऊपर कोई कृपा कर दे, अल्लाह मियां रहम हो जाए थोड़ा बहुत। ठीक है। अच्छा देखिए, मेरी दुआ है, दवा से पहले मेरी दुआ है कि आपको ऊपर वाला फ़ायदा दे, और जो भी आपको इलाज करना है या कर रहे हैं वो करते रहें, उसको छोड़े नहीं, अपने डॉक्टरों के कांटेक्ट में रहें, रابطे में रहें। और एक दवा मैं बता रहा हूँ, और वो बहुत सस्ती दवा है, और लेकिन उसको गौर से सुनना बहुत ज़रूरी है। गौर से सुनेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो कुछ गलती कर देंगे। देखिए, जो दवा मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको कहते हैं धतूरा सफ़ेद। अच्छा, दो किस्म के धतूरे आते हैं, एक काला और एक सफ़ेद। तो काला बहुत ख़तरनाक होता है, काले का तो नाम ही मत लीजिए, और धतूरा सफ़ेद उसे कहते हैं, लेकिन वो देखने में हल्का पीले रंग का होता है, ऐसा जैसे बिल्कुल मिर्च के बीज होते हैं, जैसे मिर्ची, जो लाल मिर्ची आप देखते हैं उसके अंदर जो बीज निकलते हैं बिल्कुल वैसा होता है, लेकिन वो खाने में बिल्कुल फीका होता है। जबकि मिर्च का बीज आप खा लें तो आपके मिर्चें लग जाती हैं मुँह में, और ये बिल्कुल फीका होता है, बिल्कुल फीका, आपको कुछ स्वाद ही नहीं आता। ये चार पीस इसके, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, रोज़ाना चार पीस सुबह खाने के बाद चबा के खा लें, बिल्कुल मिर्ची के बीज से जैसे होते हैं वैसा ही रंग होता है, और चार पीस रात को खाने के बाद चबा के खा लें, पानी खूब पिएं, और प्यास भी लगेगी, इसको खाने से प्यास लगेगी, और ये इसका मिजाज जो है वो खुश्क है, तो ये आपकी उस गांठ को जो आपके सर में है उसको खुश करेगा। और मैं दुआ के साथ आपको ये नस्खा बता रहा हूँ कि आपको ऊपर वाला फ़ायदा दे, क्योंकि आप पर काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ भी होंगी, ये इस्तेमाल करें, और जैसे ही आपको कुछ फ़ायदा लगे तो आप हमें दोबारा रब्ता करें ताकि हम इससे आगे की मदद कर सकें। फतीब साहिबा महाराष्ट्र से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, हमारी कॉलर हकीम साहब से बात करना चाहती हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी खतीब जी, बताएं कैसी हैं आप, क्या परेशानी है आपको? जी बताएं कैसी हैं आप, क्या परेशानी है, हकीम साहब से बात कर सकती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी ये हाथ पैरों में तकलीफ होती, जोड़ों में वापसी नहीं, क्या बात है जोड़ों में? हाँ वापसी तकलीफ होती जी, तो कोई जरूरी नुस्खा? क्या उम्र है? ये वात की तकलीफ होती है हाथ पैरों में,
जी हाँ, उम्र बता दें आप अपनी। 49। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए आप। अच्छा देखिए, एक बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है और बेशतर लोग उससे ठीक हो जाते हैं, और वो नुस्खा है इस तरह के, मेथी, मेथी का दाना जो आपके किचन में होता है, मेथी, अलसी, मेथी, अलसी, सौंठ 100-100 ग्राम लीजिए, और 100 ग्राम लीजिए गौंद सियाह, यानी काला गौंद। काला गौंद देख लें कि कड़वा होता है जायके में बहुत ज़्यादा, और इतना बड़ा बड़ा होता है। बाकी गौंद तो छोटे छोटे आपने देखे हुए मिलते हैं, लेकिन ये गौंद काफ़ी बड़ा बड़ा होता है और जायके में इंतहाई कड़वा होता है। दूसरे गौंद सब जायके में फीके होते हैं, लेकिन ये कड़वा होता है, तो इसे देख के लेना, क्योंकि काफ़ी महंगा भी आता है और नकली बहुत मिलता है और मुश्किल से मिलता है। नकली तो कितना ही ले लिए, लेकिन असली बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये सब 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं, और 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम, पानी के साथ, दूध के साथ, जूस के साथ 2 महीने तक लें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। दिल्ली से पूजा हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। जी पूजा, बताएं आपको क्या परेशानी है, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल है सर से एक। जी, मेरे पीरियड्स के रिगार्डिंग सवाल है। जी जी, सवाल मेरा ये है कि जैसे कि ना पीरियड्स मुझे या तो 3-4 महीने से हो नहीं रहे थे, और अगर जैसे होते हैं तो जैसे मंथ में एक बार होना चाहिए, तो मुझे 2 बार हो गए थे। फिर अगर बीच में रुक जाते हैं तो फिर 2 बार हो गए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा हो कि हर महीने रेगुलर भी हो और मंथ में एक बार हो, 2 बार नहीं हो। ठीक, आपकी उम्र क्या है पूजा? 27 साल। जी अच्छा, ये पहली बार हुआ है या हमेशा ऐसा होता है? पहली बार हुआ एक्चुअली, मतलब रुक रुक के तो हमेशा से है, लेकिन वो जो जब आता है तो ये चीज 2 बार, मतलब मंथ में जो 2 बार हुआ है ये पहली बार हुआ है। ठीक है। अच्छा पूजा देखिए, एक नुस्खा बता रहा हूँ आपको, वो आप लीजिए 1-2 महीना, तो आपकी ये परेशानी बहुत आसानी से ठीक होना मुमकिन है। जिन लोगों को भी पीरियड्स की परेशानी है, देखिए मको का पत्ता, मको एक मशहूर दवा है, जो उसका पत्ता इस्तेमाल करना है। 100 ग्राम ले लीजिए मको का पत्ता, कासनी का पत्ता और धनिया। मको का पत्ता, कासनी का पत्ता, धनिया, इन 3 चीज़ों को खूब बारीक पाउडर बनाकर आप 1/2 चम्मच यानी 2-2.5 ग्राम रोज़ाना पानी के साथ 1 से 2 बार तक खा लिया करें। अगर ये आप 1-2 महीना खाएंगे तो आपकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। योगेश हमारे कॉलर हरियाणा से मौजूद है, बात करना चाहते हैं हकीम साहब से। योगेश जी बताएं आपको क्या परेशानी है? हाँ हकीम साहब नमस्कार। जी आदाब योगेश जी। हाँ हकीम साहब जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, मेरे भी जोड़ों में दर्द है, लेकिन मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया। आप बता रहे थे गोंद लेने से एक खुराक से ठीक होता है, थोड़ा समझाएंगे। दूसरा ये कि क्या औरत और आदमी की सेम खुराक होती है या कम्बड़ भी होती है इसकी? अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल किया। हाँ देखिए, यूनानी में बालिग मानते हैं 12 साल के लोगों को, जो भी 12 साल से ज़्यादा का है वो बालिग है, और बालिग आदमी की खुराक एक सी होती है, औरत हो या मर्द हो। और अभी काले गौंद पे आप प्रोग्राम देख रहे थे तो मैं तबसरा कर रहा था कि ये ऐसी दवा है काला गौंद कि जिसके बगैर कोई भी दर्द की बेहतरीन दवा बनना नामुमकिन है। तो बेशक ये महंगी आती है, लेकिन ये दवा असली हासिल करना एक बड़ा कमाल है। आपकी तबीयत ठीक होना बड़ा कमाल नहीं है, इसके नतायज बहुत अच्छे हैं। यानी जिसको किसी भी दवा से फ़ायदा ना हो वो काला गौंद
कि आधा खुराक सुबह आधा खुराक शाम, यानी आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाने के बाद लें। सब्र करें, एक दो महीने सब्र करें तो आपको मुकम्मल फ़ायदा होना मुमकिन है। रिजवाना फरहीन केरला से हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनका रुख करते हैं, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं हकीम साहब से बात करने के लिए। जी रिजवाना जी, कैसी हैं आप? हाँ जी मैं अच्छी हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बताएं क्या परेशानी है आपको? हाँ जी मुझे हल्का हकीम साहब से बात करनी थी। जी जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ आदाब 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 साहब। हाँ सर मुझे आपसे बात करनी थी कि मुझे ना बच्चे के बच्चा प्रेगनेंसी के लिए बात करनी थी, जैसे कि एक बच्चा है लेकिन बाद में प्रेगनेंसी नहीं है, तो मुझे आप इस बारे में बता सकते हैं? अच्छा क्या बताया डॉक्टर ने, क्या बताया, कोई रिपोर्ट्स हैं आपकी, उसमें क्या आया है बता दीजिए आप, तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 34 है। ठीक है, और तो डॉक्टर ने बताया था कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन एज का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखिए किसी को भी अगर सब कुछ नॉर्मल है तो बच्चा होना मुमकिन है, और मर्द और औरत में अगर कोई खामी नहीं है, मर्द के जरासीम पूरे होने चाहिए और औरत के को हैज ज़रूर होना चाहिए, यानी महीना ज़रूर होना चाहिए, और अंडे ज़रूर बनने चाहिए। कभी कभी औरतों के अंडे कमज़ोर बनते हैं, यानी जैसे पानी के बुलबुले होते हैं इस तरह से उनके अंडे होते हैं, बनते और फूट जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा सब्र करना महीना दो महीना, और मैं आपको एक दवा बताता हूँ। और वैसे अगर आप चाहें तो तफसील से हमारी लेडी डॉक्टर से बात करें, हमारे इस मुतालिक बहुत अहम डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कह सकती हैं कि मुझे फीमेल डॉक्टर से बात करनी, तो वो आपकी सारी तफसील लेंगी, मुमकिन हुआ तो आपकी रिपोर्ट्स भी मंगा लेंगी जो आपने तशखीस कराई होगी वो भी मंगा लेंगी, और घरेलू नुस्खा क्योंकि आप मुझसे तलब करते हैं तो मैं घरेलू नुस्खा बताता हूँ। अश्वगंधा, जिसे हिंदी में कहते हैं अश्वगंधा, हम लोग कहते हैं अजगंधा गोरी, ऐसा ले लीजिए अश्वगंधा 50 ग्राम, और 200 ग्राम लीजिए 200 ग्राम धनिया, और 100 ग्राम आपको लेना है मोरिंगा का गौंद। मोरिंगा का गौंद का भी यह हाल है कि बहुत महंगा मिलता है, बहुत नकली मिलता है, तो वो मतबर जगह से लेना चाहिए। और ये जायके में मोरिंगा का गौंद ऐसा जैसा खारा पानी होता है ना, अगर आप इसको पानी में डालेंगे पाउडर बना कर तो खारा पानी जैसा हो जाएगा और गाढ़ा कर देगा पानी को। तो 200 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मोरिंगा का गौंद पाउडर बना लें, और इसके 2 ग्राम से 3 ग्राम रोज़ाना आप और आपके शौहर इसको खाएं, 2 ग्राम रोज़ाना एक मरतबा रात को सोते वक्त, दूध से भी ले सकते हैं पानी से भी ले सकते हैं। अश्वगंध की खुराक इसमें 100 ग्राम रहेगी, 100 ग्राम अश्वगंध, 200 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम मोरिंगा का गौंद पाउडर बनाएं, 2 से 3 ग्राम बस एक खुराक रोज़ाना दूध या पानी से लें। सब्र करें आप, माह में मतलब महीने में कभी भी साहिब उम्मीद हो सकते हैं। आप अपने पर नज़र रखिए, जब भी आपके जिस्म में तब्दीली आने लगे तो समझ लीजिए कि आप हामला हैं, प्रेग्नेंट हैं, और इस नुस्खे से बेशुमार लोगों को फ़ायदा हो चुका है जो नुस्खा मैं आपको पेश कर रहा हूँ।